समस्तपुरा एक छोटा सा शहर था। शहर में कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। एक दिन, माँ आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, कॉलेज के बाद फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी पार्टी है। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, वैसे ही आजकल पता नहीं शहर में क्या आफत मची हुई है। राधिका अपनी माँ की बात सुने बिना ही जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और कॉलेज के बाद सब फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करते करते उन्हें वक्त का पता नहीं चलता। यार बहुत देर हो गई, अंधेरा भी हो गया है। अबे तू क्या छोटी सी बच्ची है जो अंधेरे से डर रही है। फिर थोड़ी देर बाद अपनी पार्टी खत्म करके सब घर की तरफ निकल पड़ते हैं। चलो भाई, यहाँ से सब अपने अपने घर को निकल लो, कल कॉलेज में मिलते हैं। राधिका भी अपने घर की तरफ चलने लगती है। कुछ देर अकेले चलने के बाद उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पागल हो गई हूँ, डर के मारे कुछ भी लगने लगता है मुझे। तभी आवाज आती है, डर से नहीं, सच में मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कौन कौन है, दिखाई क्यों नहीं देते? आ जाओ सभी प्रेतों, जरा इसे अपने दर्शन तो करवा दो। तभी देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे प्रेत आ जाते हैं। बचाओ 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 कोई! कौन बचाएगा तुझे, बता कौन बचाएगा? जल्दी से मारो इसे और काम खत्म करो, अभी और बहुत लोग हैं इस शहर में, सबका खात्मा करना है, फिर इस शहर पर अपना राज होगा। अगले दिन राधिका के घर वालों को राधिका का पता चलता है। कहा था मैंने अंधेरा होने से पहले आ जाना, लेकिन देखो मेरी बच्ची अब कभी घर नहीं आएगी। कल रात आपकी बच्ची को ही नहीं बल्कि कम से कम 20 लोगों को ऐसे ही काट कर फेंका गया है, लेकिन इतने दिनों से कुछ पता नहीं लग रहा कि आखिर यह काम किसका है। फिर पुलिस अपने काम में लग जाती है और रात को उस शहर के हर इलाके में कुछ पुलिस वाले निगरानी करने के लिए रखे जाते हैं। तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? अरे नहीं नहीं, है तो कोई इंसान ही, जानवर होता तो खा जाता, लेकिन जो भी है अब आए आगे, एक एक गोली सीने में ना उतार दी तो कहना। अच्छा, जरा उतारना सीने में गोली। कौन है, जरा सामने तो आओ फिर बताता हूँ। प्रेत सामने आ जाता है। अच्छा, ये वो बहरूपिया है जो लोगों को काट कर फेंक देता है, देख तो इसने क्या गंदा सा मास्क लगाया हुआ है, जैसे भूत हो। तेरा ये चेहरा देखकर मैं नहीं डरने वाला, रुक तुझे अभी बताता हूँ। पुलिस वाला अपनी बंदूक निकालकर प्रेत पर चलाता है, लेकिन गोली तो प्रेत के पार होकर चली जाती है। ये क्या, ये गोली इस आदमी को लगी क्यों नहीं? पुलिस वाला और गोली चलाता है, लेकिन सारी गोलियां प्रेत के पार चली जाती हैं। हो गया तेरा खेल खत्म, अब तू मेरा खेल देख। प्रेत पुलिस वाले को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। छोड़, मुझे नीचे उतार, उतार नीचे। आओ साथियों, आ गया हमारा शिकार, करो अपना काम शुरू। इतना बोलते ही सारे प्रेत आ जाते हैं और ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अब तो रात को कहीं आना जाना बिल्कुल बंद करना होगा, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे तो सबके काम रुक जाएंगे। अब लोगों ने अंधेरा होते ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और प्रेत रातों में आराम से खुली सड़कों पर रहने लगे। और गलती से कभी कोई बाहर निकल जाता, एक दिन, अजी सुनते हो, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, लगता है डिलीवरी होने वाली है। अब रात को बाहर जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। और अगर ना गई तो भी मर ही जाऊंगी और साथ में हमारा बच्चा भी मर जाएगा, चलो जल्दी चलो तुम, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। राहुल उसे हॉस्पिटल के लिए अपनी गाड़ी में बिठाकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही गाड़ी अचानक रुक जाती है। बड़े बहादुर मालूम पड़ते हो। कौन कौन है? अभी बताते हैं हम कौन हैं। और तभी बहुत सारे प्रेत राहुल की गाड़ी पर चढ़कर कूदने लगते हैं।
गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। राहुल चलो यहाँ से, जल्दी चलो, बहुत दर्द हो रहा है, चलो जल्दी। तभी प्रेत शीना को कार से बाहर निकालकर पेड़ पर लटका देते हैं और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर शीना की मौत हो जाती है। अगले दिन न्यूज में ये खबर छपती है और वो न्यूज लंदन में रहने वाला एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जिसका नाम जॉनी था वो पढ़ता है। मुझे इस शहर के लोगों की मदद करनी चाहिए, मैं कल ही इस शहर के लिए निकलता हूँ। जॉनी बहुत ही बूढ़ा था। वो जैसे तैसे करके समस्तपुरा पहुंचता है और वहां पहुंचते पहुंचते उसे अंधेरा हो जाता है। ये लो अंकल जी, अब इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसके आगे मौत का कुआं है। मेरी मानो तो आप भी मत जाओ। उस मौत के कुएं को बंद करने ही तो मैं आया हूं। अच्छा जाओ फिर, डालो कुएं में मिट्टी। जॉनी धीरे धीरे चलने लगता है, तभी उसे सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। आ गए तुम, क्यों तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते? तुम लोग अपनी दुनिया में खुश क्यों नहीं रहते? क्या बात है, हमसे तो अच्छे खासे जवान हट्टे कट्टे तक डर जाते हैं, लेकिन तू कहां से आया है? तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? मेरी जिंदगी की फिक्र छोड़ो, तुम अपना देखो। तभी प्रेत जॉनी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है प्रेत दूर जाकर गिरता है। ये क्या, मुझे ये झटका कैसा लगा? रुक, मैं बताता हूँ इस बूढ़े को। जैसे ही प्रेत उसकी तरफ झपटता है वो प्रेत भी दूर जाकर गिरता है। ये सब क्या हो रहा है, हम इस बूढ़े को पकड़ क्यों नहीं पा रहे? ये सब कुछ पास के घर की खिड़की से एक आदमी देख रहा था। वो ये सब देखकर हिम्मत कर जॉनी के पास आ जाता है। आप कौन हैं? इन प्रेतों से आप कैसे लड़ रहे हो? मैं सब बताता हूँ, पहले तुम मुझे अपने घर ले चलो। वो आदमी जॉनी को अपने घर ले आता है। फिर जॉनी बताता है, ये मेरे पास एक जादुई डायरी है, ये ऐसी ही प्रेत आत्माओं को वश में करने के काम में आती है। जब मैंने टीवी में ये न्यूज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर आपने उन प्रेतों को वश में क्यों नहीं किया? उन्हें वश में करने के लिए इस जादुई डायरी में दिए हुए मंत्र लगातार पढ़ने होंगे बिना रुके हुए, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इसी वजह से मैं लगातार मंत्र नहीं बोल सकता। तुम्हें किसी इंसान को ढूंढना होगा जो बिना रुके ये मंत्र लगातार पढ़ सके। अच्छा, तो फिर मैं कल ही अखबार, न्यूज चैनल, हर जगह यह खबर पहुंचा देता हूँ। इनके आतंक से पूरा शहर परेशान है, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो लगातार इस जादुई डायरी के मंत्र को पढ़ सके। और डायरी वाली ये खबर हर जगह फैल जाती है। तभी एक लड़का इस काम के लिए आगे आता है और उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंचता है जहां जॉनी रुका हुआ था। अंकल, मैं इन मंत्रों को बिना रुके पढ़ सकता हूं। सोच लो, अगर तुम ये ना कर पाए तो वो तुम्हें भी मार देंगे। वो लड़का सब बातों को जानकर भी ये मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और रात होते ही वो लड़का सड़क पर खड़ा होकर उस जादुई डायरी के मंत्र पढ़ने लगता है। ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप कहाँ खींचा चला जा रहा हूँ? अरे ये क्या हो रहा है, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? आह आह, ये मुझे क्या हो रहा है, कौन है, कौन है जो मेरे साथ ये कर रहा है? देखते ही देखते सारे प्रेत अपने आप चीखते चिल्लाते उस डायरी की तरफ खींचे चले आते हैं और एक एक करके उस डायरी में चले जाते हैं और फिर भाग कर जॉनी उस डायरी को बंद करके अपने पास रख लेता है। और ऐसे जादुई डायरी की मदद से उस शहर को प्रेतों से आजादी मिल जाती है।